देखिए, मार्केटिंग करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन जब लोग आपको आपके अनोखे पब्लिसिटी स्टंट्स को लेकर काफी ट्रोल करने लग जाएं, तो भला ऐसी भी क्या ही मार्केटिंग। हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ अनुष्का शर्मा और प्यूमा इंडिया के साथ, जब अनुष्का ने प्यूमा इंडिया के फीड से एक पोस्ट को अपनी स्टोरी में शेयर किया और लिखा कि मुझे लगता है कि आपको मेरी तस्वीरों को शेयर करने से पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो प्लीज़ इन तस्वीरों को अभी के अभी डिलीट कीजिए। लेकिन प्यूमा इंडिया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि अनुष्का, हमें लगता है कि आपको और हमको पहले ही बातें कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, तो आप क्या चाहती हैं कि हम एक अनदर लेवल तक इस फाइट को लेकर जाएं। अब प्यूमा इंडिया के इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि एक अग्रीमेंट पेपर है। इस अग्रीमेंट पेपर पर प्यूमा इनटू अनुष्का लिखा हुआ है, यानी कि अनुष्का शर्मा की बातचीत पहले से ही हो रखी थी। तो अब इसके बाद लोगों ने कहा कि क्या ही पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि अनुष्का शर्मा ने फिर इस पोस्ट को अपनी स्टोरी में शेयर किया और लिखा, तो चलिए मैं इस बारे में सोचती हूँ। अब यहाँ पर जो है अनुष्का शर्मा जमकर ट्रोल हुई कि ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तो हमने आज तक नहीं देखी। लोगों ने तरह तरह के कॉमेंट करने भी स्टार्ट कर दिए। कुछ यूजर्स ने लिखा कि भाई, भाभी और प्यूमा सब मिले हुए हैं। इसी के साथ एक यूजर ने ये भी लिखा कि भाई, ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि मार्केटिंग लेवल ओपी। वेल, फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि जब अनुष्का की ये स्टोरी सामने आई थी, तो लोगों को लगा था कि सच में अनुष्का शर्मा को काफी गुस्सा आया है, क्योंकि अनुष्का शर्मा अक्सर अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ रखती हुई नजर आती है और कई मुद्दों पर बातें रखती है। तो उसके बाद लोगों को लगा कि ये एक्चुअल फाइट है। लेकिन बाद में कॉमेंट सेक्शन में एक यूजर ने एक ऐसा कमेंट किया जिसके बाद ये सारा माजरा क्लियर हो गया। एक यूजर ने लिखा, 2 minutes silence for those who are thinking that this is a real fight. अब इसके बाद लोगों को पता ही चल गया कि ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जो कि काफी ज्यादा भयानक थी, क्योंकि फिलहाल अनुष्का को इस स्ट्रेटेजी की वजह से काफी ट्रोल किया जा रहा है। अनुष्का को बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस में जगह मिलती है जो काफी इंटेलेक्चुअल है। अब उनसे इस तरह की उम्मीदें तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में लिटरली ये एक्चुअल फाइट लगी थी। लेकिन बाद में जब चीजें क्लियर हुई और अनुष्का ने प्यूमा इंडिया के फीड के उस पोस्ट को शेयर किया जिसमें अग्रीमेंट पेपर था, उसके बाद लोगों को ये साफ पता चल गया कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, पब्लिसिटी स्टंट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी इस पूरी बात पर क्या राय है। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।